नमस्कार किसान भाइयों, मैं अक्षय जाखड़ और आपका मेरे पावर स्ट्रोक ट्रैक्टर्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम रिव्यू करेंगे सोनालिका सिकंदर 745 जो कि 50 एचपी कैटेगरी में आता है। किसान भाइयों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो किसान भाइयों, ये देखिए फ्रंट साइड में क्रोम फिनिश की ब्रांडिंग की गई है सोनालिका की, तो वो थोड़ी सी टचिंग देने के लिए, काफ़ी स्टाइलिश बनाने के लिए की गई है। और फ्रंट साइड में ये देखिए बम्पर है, हेवी ड्यूटी बम्पर दिया गया हुक के साथ में। तो देखिए यहाँ पे चाबी लगती है, तो उससे सिंगल पीस बोनेट है वो ओपन हो जाता है। तो इस पर भी क्रोम फिनिश का है जो यूज़ है वो किया गया है, ताकि फ्रंट साइड में जो लाइट है वो थोड़ी आकर्षक लगे इसके लिए। और 616 के टायर मिलेंगे फ्रंट के, हेवी ड्यूटी रिम के साथ में। और वहीं फ्रंट एक्सल की बात करें किसान भाइयों, तो इसका फ्रंट एक्सल है वो नॉन एडजस्टेबल दे रखा है, सिंगल एक्टिव पावर स्टेयरिंग है विद सिंगल ड्रॉप आर्म के साथ में। तो इसका 50 एचपी का इंजन है किसान भाइयों, जो कि 3065 सीसी का है, 1900 इंजन रेटेड आरपीएम जनरेट करता है, 3 सिलेंडर इंजन दिया गया। ये देखिए बोस कंपनी का इनलाइन पंप दिया गया है कुछ इस प्रकार से। डबल फिल्टर मिलेंगे, ऑयल फिल्टर है जो, और एयर फिल्टर है इसका वो वेट टाइप का दे रखा है। तो ये देखिए ये वाटर सेपरेटर दिया गया है, और वहीं फ्यूल टैंक है वो 55 लीटर का दिया गया है। ये देखिए टूल बॉक्स है लोहे का दे रखा है, काफ़ी मजबूत टूल बॉक्स है वो सोनालिका कंपनी देती है। और सिंगल फुटस्टेप दिया गया है ट्रैक्टर पे आसानी से चढ़ने के लिए। और इंडिकेटर देखिए क्लासिकल टाइप के मॉडर्न इंडिकेटर है वो इस ट्रैक्टर में देखने को मिलेंगे। तो ये हैंडल दिया गया है ताकि किसान भाई आसानी से ट्रैक्टर पे वो चढ़ सके इसके लिए। तो ये देखिए 205 का NM, मतलब 205 NM का टॉर्क दिया गया है इस ट्रैक्टर में। तो देखिए ड्राइवर व्यू देखिए सबसे पहले तो किस प्रकार का आता है। और इजी स्टेयरिंग व्हील दे रखा है, क्लासिकल डिजिटल मीटर है वो दिया गया है इस ट्रैक्टर में किसान भाइयों। काफ़ी बड़ा डैशबोर्ड है तो इस ट्रैक्टर में देखने को मिलेगा। और फ्यूल टैंक है 55 लीटर का दिया गया है पावर स्टेयरिंग के साथ में। और वहीं कॉन्स्टेंट एमएस गियर बॉक्स दे रखा है इसका, और डुअल क्लच दे रखी है इस ट्रैक्टर में। तो देखिए खुला प्लेटफॉर्म दिया गया है, ऑयल इमर्स्ड ब्रेक और ड्राई डिस्क ब्रेक दोनों ऑप्शन है इस ट्रैक्टर में, आप कौन सा लेना चाहिए वो ले सकते हैं। इजी एक्सीलेटर दे रखा है किसान भाइयों। तो इसके अंदर 8 गियर आगे के हैं और 2 गियर है वो रिवर्स यानी कि पीछे के दे रखे हैं। 1800 kg की लिफ्ट कैपेसिटी दे रखी है, बिल्कुल लीवर पास में दे रखे हैं। और ये ऑक्सिलरी लीवर है पल्टी पलाव के लिए, ट्रॉली उठाने के लिए। तो ये देखिए सेफ्टी ग्रिल है वो दे रखी है फेंडर पे, और मजबूत फेंडर दे रखे हैं। ये देखिए क्लच तो ये डबल दी गई है, हाईलो के लिए ये लीवर दिया गया है किसान भाइयों। और वहीं 43 HP का PTO दिया गया है इसका, तो 540 RPM से इसका PTO स्टार्ट होता है, 6 GD PTO है किसान भाइयों इस ट्रैक्टर में। तो देखिए किस प्रकार से ड्राइवर सीट है वो काफ़ी स्मूथ है इस ट्रैक्टर में किसान भाइयों। और ये देखिए सेफ्टी लॉक दिया गया है लिफ्ट के लिए, और वहीं ये लीवर है PTO के लिए दिया गया है। तो लीवर काफ़ी स्टाइलिश दे रखे है किसान भाइयों। पिछले टायर की बात करें इसके, तो ये देखिए फेंडर है, इसमें भी थोड़ा बहुत है जो डिज़ाइन है वो किया गया है। तो 14-9-28 के पिछले टायर देखने को मिलेंगे इस ट्रैक्टर में, आप 13-6-28 के भी ले सकते हैं, ऑप्शन है इसमें। तो ये देखिए रिवर्स PTO भी इस ट्रैक्टर में दिया गया है किसान भाइयों। सेफ्टी ग्रिल देखिए कितनी मजबूत दे रखी है, और ये फेंडर के लिए ग्रिल अलग से दी गई है। बोटल कैप इस ट्रैक्टर में दिया गया है ड्राइवर सीट पे, और खुला प्लेटफॉर्म दे रखा है इस ट्रैक्टर का। ये ऑक्सिलरी लीवर है, एक बार फिर से आपको बता दूँ, डबल डिस्ट्रीब्यूटर दिया गया है किसान भाइयों। और 3 पॉइंट लिंकेज दे रखी है, हुक है वो एडजस्टेबल दिया गया, हैवी ड्यूटी हुक दिया गया है किसान भाइयों। 1800 kg लिफ्ट कैपेसिटी दे रखी है, काफ़ी हैवी लिफ्ट कैपेसिटी है वो दी गई है। मजबूत लिंकेज दे रखी है, और काफ़ी चौड़ा है ट्रैक्टर किसान भाइयों। तो देखिए टेल लाइट है, उस पर भी क्रोम का यूज़ है वो देखने को मिलेगा इस ट्रैक्टर में। तो देखिए किस प्रकार से है जो इसका बैक साइड है वो दिखता है। तो चलिए उधर वाली साइड चेक कर लेते हैं क्या कुछ है जो न्यू फीचर दिए गए हैं इस ट्रैक्टर में। तो देखिए डबल पंप दिया गया है, एक तो पावर स्टेयरिंग के लिए और दूसरा लिफ्ट के लिए। और ये प्रोटेक्टर लगा हुआ है इस पे सेल्फ पे, और छोटी बैटरी बॉक्स दी गई है, छोटी है जो। खुला प्लेटफॉर्म दिया गया है, और ये पार्किंग ब्रेक इस ट्रैक्टर में मिलेगा किसान भाइयों, ऑयल इमर्स्ड ब्रेक है इस ट्रैक्टर में। तो किसान भाइयों इसकी कीमत की बात करें तो 6,70,000 से 7,11,000 के बीच बीच में ये ट्रैक्टर है आपको मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, और हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे जरूर फॉलो करें किसान भाइयों। लव यू ऑल, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा।